नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आज फिर एक बार आप सभी के मध्य में एक ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ये मुझे बहुत लोगों ने आग्रह किया कि कोरोना वायरस कब तक अपनी शक्तियों में हीन होगा, कब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे पृथ्वी पर कम हो। हम पुनः सबसे पहले रोग के कारणों पे जाएंगे, जो जो प्लैनेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनके बारे में मैं दोबारा से बात करता हूँ। देखिए, ये एक किस्म से अपने आप में एक बहुत ही गंभीर रोग के तौर पे आया है, जो एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शंस जनरली जो शुरू होते हैं उनके बारे में जब तक हमें पता चलता है तब तक वो काफी हद तक अपना पैर पसार चुके होते हैं। जनरली उनको रोकने का रिएक्शंस हमेशा ही बाद में आया है, पहले नहीं आया, और इस बार भी वैसा ही हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में बहुत बहुत अच्छे से तरीके से मैंने बताया है कि कोरोना वायरस क्यों होता है, उसके पीछे की उसकी पूरी स्टोरी बताई है। कृपया वो वीडियो अवश्य देखें ताकि आपको कोरोना वायरस से संबंधित बहुत अधिक जानकारियां उसमें मिल जाए। चूंकि किसी भी प्रकार की अगर कोई एलर्जी है या इन्फेक्शन है, कोई भी तरीके की एलर्जी है या इन्फेक्शन है, उसमें बुध का खराब होना बहुत लाजमी है। मंगल भी जब पीड़ित होता है तो इन्फेक्शन बड़े आसानी से हो, चंद्रमा भी जब पीड़ित होता है तो इन्फेक्शन हो, लेकिन ये तीनों अलग अलग प्रकार की एलर्जीज या इन्फेक्शन देते हैं। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि कोरोना वायरस की जड़ कौन सी है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन का या वायरस का कारक ग्रह केतु है। केतु एक स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट कोई चीज होती है, या किसी भी चीज को आप क्रंच करते हैं या आप उसको तोड़ते हैं, उसको छोटा छोटा करते हैं, तो वो केतु का ही रूप होता है। यानी किसी भी चीज का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कोई भी चीज है संसार में तो वो केतु है। यानी कि कोई भी चीज का उदय सबसे पहले केतु होता है, तभी मूल जो नक्षत्र है यानी कि जड़ के रूप में उसको माना गया है। मैं इस पे विषय में और थोड़ा सा बताऊंगा बाद में। तो वायरल किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो उसका मूल जो प्लैनेट सबसे पहले हमें केतु और उसकी स्थिति को देखना चाहिए। और महामारी के लिए भी हम जब भी बात करते हैं तो राहु केतु का रोल बहुत बड़ा होता है। केतु चुपचाप यानी सीक्रेटिवली अपना काम करता है, वो किसी की जानकारी में आए बगैर अपना काम करता रहता है, लेकिन जब वो आती है और जब हम उसको देख पाते हैं या समझ पाते हैं तो वो राहु की तरह विकरालता का रूप ले चुका होता है। यानी एक बहुत छोटे कण से केतु अपना कार्य शुरू करता है और वो धीरे 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 अपना विकरालता धारण कर। तो पहला हमें ग्रह केतु की स्थिति को समझना है और वो क्यों और कब कैसे ठीक होगी या उसके ठीक होने से ही क्या हमारे उसमें रिजल्ट्स में फर्क आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, केतु या राहु पहला सबसे पहला पैरामीटर है कि वो जिस राशि और भाव में होते हैं तो उनकी क्वालिटीज का प्रभाव ग्रहण करके और अपनी क्वालिटीज का प्रभाव चुपचाप से उनको देके वो रिजल्ट्स क्रिएट। सेकेंडली, वो जिन जिन प्लैनेट्स के साथ संबंध बनाते हैं उनकी क्वालिटीज भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं और उनकी क्वालिटीज को भी उनके गुणों के, उनके धर्म के अनुसार और अपने गुण और धर्म के अनुसार बढ़ाने का या उसको कम करने का कार्य वो करते हैं। तो इस समय केतु की स्थिति को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि केतु की स्थिति को जानने से ही हमें काफी चीजों की जानकारी मिल जाएगी। तो अभी कुछ समय पहले तक, जनवरी के एंड तक, जो 25 जनवरी तक शनि भी केतु के साथ था, आज की डेट में भी गुरु केतु के साथ है, मंगल भी केतु के साथ। तो यानी कि कहीं ना कहीं जिन क्वालिटीज को केतु लेके बैठा है उन क्वालिटीज को वो आगे बढ़ाने में शनि का और मंगल का और गुरु का उसने माध्यम चुना, या उनकी क्वालिटीज का भी, जो उनके भी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको उसने अपने साथ जोड़ के और अपने नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ के जो एक रोग की तरह, महामारी की तरह वो रूप धारण किया, उसने वो चीज अब्सॉर्ब करके लोगों को दी। इस दौरान सूर्य भी केतु के ऊपर से निकला होगा, इस दौरान बुध वो भी गया है, इस दौरान चंद्रमा बहुत बारी गया होगा, इस दौरान शुक्र का भी केतु के ऊपर से गोचर रहा हो। तो अर्थात केतु ने सभी ग्रहों से कुछ ना कुछ लिया और दिया है। तो अब आगे हम विचार करते हैं कि इस रोग की समस्या का समाधान और हमें क्या हमें विचार करना चाहिए कि कैसे और क्या होगा। देखिए, शनि हमारा जो ग्रह है ये रोग कारक मुख्य रूप से कहा गया है। शनि एक तो ओल्ड एज का प्रतीक है, यानी कारक है,
और एक वो वीक रोग ग्रस्त सभी लोगों का कारक ग्रह है, यानी कि रोग कारक होने के कारण ऐसे सभी लोग जो रोग से ग्रसित होते हैं उनका कारक ग्रह शनि है। और दूसरी बात, जो भी लोग डिपेंडेंट होते हैं, जो स्वयं सारे कार्य नहीं कर सकते हैं, जिनकी हड्डियों में जान नहीं है, जिनके शरीर में क्षमता नहीं रही है, जिनका शरीर के ऑर्गन्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, वो भी शनि के कारक तत्व से पीड़ित है। जो लोग लेबर क्लास है, रात दिन मेहनत करके रोटी कमाते हैं, वो भी सभी लोग जो है शनि का प्रतीक है। हमारा शनि जो है वो वायु तत्व का प्रतीक है और उसके साथ साथ वो हमारी टांगों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये किसी भी प्रकार से जब भी ये रोग, जैसे हम जानते ही हैं कि ये वायु तत्व के कारण, वायु के कारण से एक दूसरे के संपर्क में नजदीकी आने से या टच से, टच का कारक भी शनि है, तो वो पहुंच रहा है। तो यानी शनि एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, जो इस ग्रह को की जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं वो शनि की, जब वो केतु के साथ रहा और मकर राशि में आते ही उसकी अपनी क्वालिटीज भी बहुत नेगेटिव हो जाती है, उसको बहुत प्रैक्टिकलिटी आ जाती है, इमोशन सारे खत्म हो जाते हैं। मकर राशि में कोई भी प्लैनेट होगा उसमें बहुत प्रैक्टिकलिटी होगी, तो दया भाव खत्म हो जाता है। शनि स्क्वीज करता है चीजों को, छोटा करता है, कमजोर करता है, शक्तिहीन करता है। तो हमारे ऑर्गन्स में भी क्या करता है, उनके जो वर्किंग को स्लो डाउन करता है या उनकी क्षमताओं को कमी कर देता है। तो शनि का ये कार्य बहुत बहुत साधारण और समझ में आने वाला है। पॉल्यूशन यानी डस्ट पॉल्यूशन, ऐसी सभी प्रकार की जो डस्ट की से होने वाली पॉल्यूशन, टच से होने वाली पॉल्यूशन, वो जितनी भी होती है, जो एयर से होने वाली पॉल्यूशन है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाती है, तो उसका कारक ग्रह जो वो है शनि। राहु का भी रोल रहता है लेकिन मुख्य कारक हमेशा शनि ही रहेगा। और ऐसे सभी रोग जो बहुत लंबा समय चलते हैं, जिनके ठीक होने में बहुत ज्यादा लंबा समय लगता है, ऐसे सभी रोगों का कारक ग्रह जो है शनि है। पीड़ा का, दुख का, असहाय स्थितियों का जो कारक ग्रह शनि है। हमारे लंग्स रिलेटेड जितनी भी डिजीज होती है, क्योंकि वो स्क्वीज करता है, पॉल्यूशन हो गया, तो लंग्स से जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो पोल्यूशन का रोल तो रहेगा रहेगा। यानी कि जब भी कहीं पे भी पोल्यूशन है, नमी है, कुछ भी ऐसी चीज होती है, तो हमारे लंग्स में प्रॉब्लम आती है। पोल्यूशन में गैस्ट्रिक पोल्यूशंस भी हो सकते हैं, एयर में और टाइप के पोल्यूशंस आते हैं, गैसेस के कारण से, स्मोक के कारण से। पोल्यूशन की बहुत तरीके की चीजें हम जानते हैं। ये हमारे ऑर्गन्स के कंजेशन, यानी कि हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो उसके अंदर भी कंजेशन का कारण। अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट पे बात करता हूँ, जिसका नाम है राहु। जो होती है वो प्रोसेस को चलाने वाला ब्रीदिंग का कारक ग्रह राहु है। अब राहु भी वायु तत्व का मुख्य ग्रह है, राहु भी रोगों का कारक ग्रह है, राहु भी दुख पीड़ा शनि की सभी क्वालिटीज उसमें है। तो वो ये सारी चीजें उसमें होने के कारण से वो हमारे को समस्त रोग और समस्त पीड़ा देने में, और राहु जो है किसी भी रोग का सबसे बुरा जो स्थिति होती है उसके लिए भी मुख्य कारक। यानी कि कोई भी रोग की, हम जिसे हम कहें कि किसी भी प्रकार का रोग जीवन में हमें लगता है, तो उसका वर्स्ट जो सिचुएशंस होती है, यानी कि हम जो असहनीय स्थितियां होती है, उसका कारक ग्रह जो है राहु है। राहु किसी प्रकार के नियमों का पालन नहीं करने वाले ग्रहों में से आप देखिए, ये भी इस ग्रह, इस जो रोग में अभी हम बात कर रहे थे, तो ये रोग एक देश और एक शहर से शुरू होकर सीमाओं को लांघता हुआ चला गया। तो ये कोई भी चीज ऐसी जो सीमाओं को लांघती है, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे नेगेटिव वे में, वो राहु के कारक तत्व में आ जाते। यानी कि जो नियम का, अनुशासन का पालन करने के लिए तैयार नहीं है, और जो ऐसी कोई भी चीज जो पूरी की पूरी सृष्टि में पृथ्वी के सभी जगह पे जाने की क्षमता रखता हो, यानी कि राहु जो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कोई भी चीज का इंटरनेशनलाइजेशन होता है वो राहु के बिना नहीं संभव। केतु आपकी सीमाएं बनाएगा और राहु जो है वो आपकी सीमाओं को तोड़ने का काम। और जितने भी हमारे डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन होते हैं उसमें बहुत मेजर रोल जो है राहु का रहता है। खास तौर पे जितनी भी एलर्जीज के लिए जो एयर में पोल्यूशन होता है, जो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ जो हमारे गाड़ियों से निकलने वाली गैसेस होती हैं उनके कारण से, और भी कई कई जगह से जो गैसेस लीक हो रही हैं या कोई और तरीके से उनका कार्य जो होता है वो उस तरह से राहु जो है वो। सेकंडली, राहु और केतु जो होते हैं वो दोनों के दोनों में एक दूसरे की क्वालिटीज पूरी होती हैं, और वो उनका यूज अपने समय पे बहुत अच्छे से करते हैं। यानी कि जहां जैसी आवश्यकता होती है अपनी क्षमताओं के कारण से, केतु छोटे लेवल से शुरू करके चुपचाप अंदर अंदर कर रहा होता है, और राहु जो होता है वो ओपनली कर रहा होता है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी जो लाइफ थ्रेटनिंग कोई चीज होती है, तो उसमें मेजर रोल राहु का रहता है।
चाहे एक्सीडेंट्स हो, चाहे न्यूक्लियर रिएक्शंस हो, कोई और भी चीज होती है, राहु के बगैर संभव नहीं है। तो कोई भी चीज, इवन दवाइयां भी अगर न्यूक्लियर एनर्जी से बनती है तो उसमें भी राहु का पॉजिटिव रोल आ जाता है। तो उसी तरह से किसी भी चीज का नेगेटिव रोल जब देखना हो तो वही हमें राहु को ही देखना, खास तौर पे ऐसी चीजों में। अब हम ये सब जने जानते हैं कि राहु जो है धड़ है, ऊपर का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा नहीं है, सर है ऊपर का हिस्सा, धड़ नहीं है उसके, नीचे का शरीर नहीं है उसका, आधा शरीर है और वो भी ऊपर वाला शरीर। तो उसका हार्ट नहीं है, उसमें हृदय नहीं है, उसमें पीड़ा नहीं है और उसमें दर्द नहीं होता उसे, तो वो ब्रेनी है, यानी कि सिर्फ ब्रेन से काम कर। तभी कहते हैं साइंटिफिक रिसर्चेस के पीछे हमेशा जो है राहु रहता है, चाहे वो पॉजिटिव वे में रिसर्च हो, जैसी अब ये हो रही है, ये नेगेटिव रिसर्च जो चल रही थी उस वे में रिसर्च हो, तो कोई ना कोई जब भी रिसर्च हो रही है उसमें राहु का रोल रहता है, क्योंकि वो ब्रेनी है। हर प्रकार की रिसर्च को जब तक राहु की सपोर्ट नहीं होगी वो प्रॉपर रिसर्च कंप्लीट नहीं होगी। और उस रिसर्च को कंप्लीट करने के पीछे जो टेक्नोलॉजीज का यूज करने में जो राहु की सहायता होती है, अगर वो सपोर्ट नहीं मिलेगी तो भी नहीं होगी रिसर्च। तो यानी कि जब हम नेगेटिव कोई काम करें या हम एक्सट्रीम पॉजिटिव कोई काम करें, तो दोनों स्थितियों में हमें राहु की जो एनर्जीज है वो चाहिए। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उनको पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं या नेगेटिवली। जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक हृदयहीन ग्रह है, हृदयहीन है, उसके अंदर कोई वो नहीं है, हृदय भावनाएं नहीं है, तो वो डिस्ट्रॉयर है, क्रुएलिटी तक चला जाता है। जब वो अपना डिस्ट्रॉय करने पे आता है तो वो ये किसी पे रहम नहीं करता, वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय। हमने अक्सर ये देखा ही है कि किसी को बनाता है तो वो आसमान पे पहुंचा देता है, और जब किसी को डिस्ट्रॉय करने पे आता है तो धूल में मिला। तो किसी भी चीज में जब भी राहु पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट देने लगेगा तो वहां पे उसका रोल सबसे ज्यादा हो जाएगा। हम उसको ड्रैगन हेड कहते हैं, चाइना ड्रैगन हेड ही है, और वहां पे एक नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव टाइप की रिसर्च जो उनकी वहां पे उन्हीं के लिए एक डिस्ट्रॉयर का काम कर गई, वो हो गई। तो इसमें राहु के रोल को अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या रोल रहा है इस रोग के फैलने में। रिसर्च अंदर एक लैब में हो रही थी जो एक सीमाओं के अंदर होती है, केतु ये कार्य करा रहा था, लेकिन जब वो सीमाओं से बाहर निकली और उसको रोकने की कोई भी चीज प्रिवेंशन की पहले उनके पास सोच जागृत नहीं हुई थी, तैयारी नहीं हुई थी, तो उसका जो नेगेटिव पार्ट ही सबके सामने आया। तो अब ये वर्ल्ड में कैसे फैला इस पे भी हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा बाद में। तो लंग्स रिलेटेड सभी प्रकार के रोगों में, ब्रीदिंग का कारक ग्रह हो गया तो लंग्स रिलेटेड सभी रोगों में कहीं ना कहीं ये अपना इम्पैक्ट रखता है। टीबी हो जाए किसी को, ब्रोनकाइटिस हो जाए, लंग्स रिलेटेड कोई और कोई भी डिजीज हो, तो राहु के बगैर संभव नहीं है, राहु का रोल रहेगा ये निश्चित है। अब अन्य ग्रहों का भी रोल रहता है, थोड़ा शनि का रोल भी रहता है, ये हमेशा हमें मान लेना चाहिए कि शनि का रोल भी रहेगा, चंद्रमा का, बुध का, शुक्र का भी रोल रहेगा लंग्स रिलेटेड जब भी प्रॉब्लम आएगी, मंगल का भी रोल। इन सब के बिना कभी भी लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो वी शुड अंडरस्टैंड कहीं ना कहीं इन ग्रहों का भी रोल रहा। गुरु ग्रह जो है किसी भी चीज की ग्रोथ देता है, जब अच्छा होता है तो ग्रोथ और ब्लेसिंग्स देता है, जब वो अच्छा नहीं होता तो ग्रोथ देगा लेकिन साथ में डिस्ट्रॉयर का काम भी हो जाएगा, अनजाने में एक डिस्ट्रॉयर का। तो इसलिए गुरु ग्रह का जीवन में अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अनअर्न्ड ब्लेसिंग्स के लिए गुरु होना, अच्छा होना बहुत जरूरी। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया कि कोई भी ग्रह के बारे में, अभी मैं थोड़ा ग्रहों के बारे में बात कर रहा हूँ, थोड़ा फिर नक्षत्रों के बारे में, क्योंकि डेट्स निकालने के लिए मैं नक्षत्र और उनके मूवमेंट प्लैनेट्स की देख। तो चंद्रमा, किसी भी तरीके की सर्दी लगना, निमोनिया होना, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, ब्रीदिंग में कहीं पे जो दिक्कत आना जिसके कारण अनेक हो सकते हैं, किसी को बहुत कोल्ड होना, कोल्ड एंड कफ हो जाना, कोई भी चीज हो सकती है, ये सभी चीजें होती है। और जितनी चीजें बदलाव के लिए जरूरी होती हैं, किसी भी बदलाव के लिए सबसे पहले चंद्रमा का रोल रहता है, परिवर्तनकारी ग्रह है, मोस्ट अडॉप्टेबल प्लैनेट है, कोई भी चीज के साथ जुड़ता है तो उसके साथ रंग में रंग जाता है। हमने गाना सुना है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, तो ये बिल्कुल फिक्ट है। चंद्रमा किसी के साथ भी जुड़ता है तो उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव क्वालिटीज हाउस और राशि के अनुसार ही फल देगा। जितनी भी मानसिक तकलीफें होती हैं वो भी हमेशा चंद्रमा के कारण से आती हैं। पानी से होने वाले समस्त रोग, पेट दर्द, ऐसी कई चीजें हैं जो चंद्रमा के इनडाइजेशन के कारण से या कई और कारणों से हो रहे होते हैं। तो पानी भी जब खराब होता है तो भी हम देखते हैं कि हमारे को कई तरह के रोग, पानी के अति हो, पानी की कमी हो, पानी के कारण से नमी हो, जो भी हो, वो हमारे शरीर के लिए अगर जब भी प्रॉब्लमेटिक होगी तो
का कारण कहीं ना कहीं जो है चंद्रमा का खराब होना है। मतलब मैंने अभी फिर बताया आपको कि टीबी हो, अस्थमा हो या लंग्स की कोई और समस्या हो, उसमें चंद्रमा का रोल रहेगा ही रहेगा, बुध का रोल रहेगा ही रहेगा, शुक्र का रोल रहेगा ही रहेगा। मंगल जब तक खराब नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है। हमारे में से किसी के भी चार्ट में जो तृतीय और चतुर्थ भाव को हम अवश्य देखें और इन प्लैनेट्स का विचार करें, साथ में उनके जो भाव स्वामी उन पे विचार करें, तो हमें समझ में आएगा कि किन के लिए ज्यादा पीड़ादायक। तो जो लोग वृद्ध हैं, जो लोग कमजोर हैं, जो रोगी हैं, जिनको अन्य प्रकार के रोग पहले से लगे हुए हैं, जिनकी बीपी की समस्या है, जिनको शुगर की समस्या है, जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जिनके ऑर्गन्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, उनके लिए ठीक नहीं है। गोचर बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा। और कोई भी ऐसा ही महामारी जब फैलती है तो कोई भी सबसे पहले जिनको नुकसान होता है तो वो लोग होते हैं। स्वस्थ लोग जिनकी इम्यूनिटी ठीक होती है वो इसको झेल जाएंगे, लेकिन कब तक, प्रश्न यही है, ये कब तक खत्म होगी, महामारी ना बने उसके लिए क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको जब भी चेस्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, ईएनटी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, मरकरी खराब होगा ही होगा, ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तब भी मरकरी खराब होगा ही होगा, न्यूरॉन्स रिलेटेड मरकरी के डैमेज होते ही ये चीज, कम्युनिकेशंस की क्वालिटीज डाउन होने में कहीं ना कहीं हमेशा मरकरी का रोल रहता है। किसी भी प्रकार के इरेप्टिव फीवर्स हो, महामारी हो, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो, टीबी हो, अस्थमा हो, केतु भी अपना रोल प्ले करता है। किसी को भी कैंसेरियस रोग होता है तो पहली स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा जो होता है वो केतु से होता है, और एंडिंग पॉइंट या उसका असाध्य मतलब जो नहीं ठीक हो सकता, ऐसे रोग की स्थिति बनना, कोई भी रोग का नहीं ठीक होने वाली स्थिति का बनना राहु तय करता। तो मैं अब आपको छोटी सी चीज बताता हूँ कि ये नक्षत्रों का क्या रोल रहा है। देखिए पिछले ये मैं बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनको अभी शेयर करूंगा आपके साथ। पिछले बहुत लंबे समय से राहु आर्द्रा में चल रहा और केतु मूल में चल रहा है, यानी कि दोनों अपनी अपनी नक्षत्रों के अंदर हैं। तो पहले मैं आर्द्रा नक्षत्र के बारे में या जो मूल नक्षत्र है इसके बारे में बात करने के लिए आपसे कुछ चीजें शेयर करूंगा कि उनकी क्वालिटीज को आपको बताता हूँ। देखिए देखिए आर्द्रा का अर्थ अपने आप में नमी होता है जी। जब आर्द्रा नक्षत्र की बात होती है तो नमी अपने आप, ये किसी के साथ भी जब भी लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो नमी उसके लिए सबसे बड़ी शत्रुता हो। और राहु अपने नक्षत्र में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया, केतु अपने नक्षत्र में सबसे ज्यादा स्ट्रांग। तो जो भी ग्रह राहु के नक्षत्र में आया होगा उस दौरान उसकी स्थिति, या राहु उस पर दृष्टि डाल रहा होगा तो उसकी स्थिति खराब हुई होगी कि वो बहुत स्ट्रांग है। किस प्रकार का स्ट्रांग है? नेगेटिव वे में ही स्ट्रांग है। अगर इसका उपयोग कहीं सही रिसर्च में कहीं कर लेते दवाई बनाने में तो ये समय बहुत बढ़िया था। मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया है कि ये समय में अगर कोई दवाई बनती है तो मानव कल्याण की सबसे बेहतरीन दवाई का कार्य इस आर्द्रा नक्षत्र के राहु में होने पे हो सकता है। पर अभी तक तो कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जो कहें कि मानव कल्याण के लिए बहुत उपयोगी दवाई का जो है वो हो गया, और अभी मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी इसके लिए भी कोई इंजेक्शन बन पाएगा, उसका कारण भी। जो आर्द्रा जैसे हमने नमी बताया तो आंखों के अंदर की नमी और आंसू का स्वरूप भी गिना गया है। तो अर्थात ये आंसू लाने वाली स्थितियां पैदा करने वाला नक्षत्र है, यानी कि जीवन में इतने कष्ट भी दे सकता है कि इंसान जो है उसकी पीड़ा में इतना विचलित हो जाए कि उसको आंसू निकल आए। जो हम आज परिस्थिति देख रहे हैं, इतनी भय भय की स्थिति बन जाती है कि इंसान डर से अपने ट्रीटमेंट की जगह से जहां पे मदद मिल रही है, सरकार आगे बढ़ के मदद करने को तैयार है, लोग इतना भय पैदा हो जाता है, इतनी आंसू निकलते हैं लोगों में, डर हो जाता है कि वो समझ नहीं पाते कि हमारा कि सामने से मंगल भी राहु को देख रहा है, अभी राशि बदलेगा, वहां से कुछ थोड़ा सा हमें रिलीफ मिलना शुरू होगा। गुरु भी देख रहा है, गुरु मंगल केतु की स्थिति जो होती है वो भी एक अपने आप में रोगों के क्षेत्र में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत अच्छी नहीं गिनेगी। इसमें कहीं ना कहीं लीवर रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड पॉल्यूशंस और इम्प्योरिटीज का टाइम होता है। तो ये अभी वही हम देख रहे हैं, रियल लाइफ में भी वो हमें सामने नजर आ रही है। जो आंसू निकालने वाली मैंने जो आपको बात बताई उसको आप याद रखिए कि इतनी पीड़ादायक स्थितियों का निर्माण इस आर्द्रा नक्षत्र में हो जाता है। ये हुई नेगेटिविटी की चीजें, इसमें से कुछ पॉजिटिव भी होता है वो हम अभी चर्चा करते हैं। देखिए आर्द्रा नक्षत्र में कहीं ना कहीं जितने ट्रायल्स होते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं रिजल्ट्स फाइनली अच्छे, उपयोगी और
कहीं ना कहीं बहुत अच्छे वाले रिजल्ट, जिनसे हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन वाले रिजल्ट्स भी निकलते हैं, क्योंकि रिसर्च होगी तो आर्द्रा नक्षत्र के अंदर ही राहु के होते होते में होगा, और दवाई की ही रिसर्च होनी चाहिए, मेरा ये मानना है, दवाई से रिलेटेड रिसर्च होनी चाहिए, अगर ये होती है तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। एक और चीज की रिसर्च को भी मैं देख रहा हूँ, शायद कोई ना कोई एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी रिसर्च भी कोई हम देख सकते हैं कि अगले कुछ महीने में हमारे जो है लोग देख पाए, कंप्यूटर से रिलेटेड, कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड कोई बहुत बड़े रिसर्च भी हमें देखने को मिल सकते, और नियमों में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। पूरी पृथ्वी की सभी सरकारें आगे चलकर अपने यहाँ के नियमों में बहुत बड़े बदलाव लाने वाले हैं अपने इस समय के अनुभवों के आधार। अब पासपोर्ट के साथ साथ आगे आने वाले समय में संभव है स्वास्थ्य की बिल्कुल ठीक होना, आपको किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शंस नहीं है, ऐसा सर्टिफिकेट भी एक शायद लिया जाने लगेगा और केवल उन्हीं लोगों को आने दिया जाएगा जो पूर्ण स्वस्थ होंगे, अस्वस्थ लोगों का आना जाना कम होगा। देखिए, जो रुद्र रूप शिव का था, जो डिस्ट्रॉयर रूप शिव का था, तो आर्द्रा को उसके साथ जोड़ा, आर्द्रा नक्षत्र का जो हम कहते हैं ना लॉर्ड शिवा रुद्र वो है, तो रुद्र जो है शिव उस रूप में, जब शिव का रूप आता है, जब वो रुद्र हो गए थे, नाराज हो गए थे और उन्होंने अपना तांडव नृत्य किया था, तो उसी प्रकार की तांडव जैसी स्थिति आज हम देख रहे हैं और हमें महसूस हो रहा है कि पृथ्वी से जुड़े हुए समस्त लोगों को कहीं ना कहीं जो आज पीड़ा दुख तकलीफ हो रही है उसके पीछे वो एक बहुत बड़ा एक कारण है। देखिए, स्टॉर्म्स के साथ राहु के इस नक्षत्र का संबंध है, यानी कि तूफानों से इस नक्षत्र का संबंध। अब तूफान क्या सिर्फ हवाओं को ही हम गिनेंगे या समुद्र में आएगा तो ही वो तूफान है, लोगों के जीवन में कोई भी तूफान आता है तो उसका कहीं ना कहीं इस प्रकार के संबंध जो है राहु से रहता है। हमारे जीवन में जब भी इतने बड़े कोई तूफान आते हैं कि अब तो ये पूरे सामाजिक स्तर पे आ रहे हैं, यानी कि इतने बड़े ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जो पहली बारी हमने देखा कि कंप्लीट शट डाउन ऑफ ए कंट्री, जैसा इटली में हम देख रहे हैं, चाइना के कुछ शहरों में रहा, और आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि कुछ और देशों में ये हो, क्योंकि कई देश इसको बड़े मजाक में ले रहे हैं और वो बड़े फनी फनी रीजंस दे रहे हैं कि कुछ नहीं होता, आओ देख लेते हैं क्या होता है कोरोना, मरना तो है ही एक दिन। ये बहुत ही अजीब सी दुखदायी स्थिति है, किसी को भी इतना अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए कि कुछ नहीं होने वाला, जो प्रिकॉशंस लेनी है वो भी अवश्य लेनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी जरूर सुनाना चाहूंगा जो रामकृष्ण परमहंस जी के साहित्य में मिलती है, मैंने वहां पे पढ़ी थी और मुझे बचपन से इस स्टोरी को बहुत मुझे लगाव है। एक गुरु के आश्रम में बड़े सारे लोग जो थे बच्चे रहते थे, गुरु ने उनको बताया कि आत्मा ही परमात्मा है, संसार में प्रत्येक जीव में वो आत्मा है, प्रत्येक ऐसी हर चीज जिसमें प्राण है वो उसी ईश्वर का स्वरूप है, तो जिस जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा गुरु में और शिष्य में और प्रत्येक पेड़ पौधा और जानवर सभी में वही आत्मा। तो रूटीन की तरह एक दिन बच्चे जो है वो जंगल में जाते हैं, कुछ खाने पीने का सामान इकट्ठा करके लाना होता है, उसके बाद वो बनाते हो। तो बच्चे जंगल में गए होते हैं तो एक हाथी जो है वो पगला जाता है और वो भागता हुआ आ रहा होता है, उसके ऊपर महावत बैठा हुआ सबसे कहता है कि आगे से हट जाओ, ये हाथी जो है बिगड़ चुका है, तुम्हें मार देगा। तो सभी शिष्य अपना साइड हो जाते हैं, लेकिन एक बच्चा जो होता है वो ये सोचता है कि मैं भी भगवान वो भी भगवान, तो एक भगवान दूसरे भगवान का क्या बुरा करेगा, तो वो नहीं हटता है, वो हाथी उसको सूंड में लेके जमीन पे मारता है और वो मर जाता है। इस कहानी के बाद जैसे ही वहां पे गुरुजी आते हैं तो वो अपनी मंत्र साधना से उसको ठीक कर देते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि तू हटा क्यों नहीं था, तो वो बताता है कि एक भगवान दूसरे भगवान का कैसे कर सकता है जब आपने मुझे बताया कि मैं भी भगवान वो भी भगवान। गुरुजी कहते हैं महावत भगवान भी तो कुछ कह रहा था, तो उसी प्रकार से सरकार भी सबको वार्न कर रही है, समझा रही है, कृपया सरकार जो हमें प्रिकॉशनरी कदम उठाने के लिए बोल रही है उस पे किसी प्रकार की टिप्पणी ना करें, कृपया उसको सही तरीके से पालन करें, जो सरकार बोल रही है उसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस हैं, वो डॉक्टर्स और साइंस से जुड़े हुए बड़े बड़े रिसर्चर्स के साथ बैठ के जो इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है, मैं आप सिर्फ अपनी कंट्री की बात नहीं, सारी दुनिया में हो रहा है, तो कृपया उनकी बात को बहुत ईमानदारी से माने, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि महावत की बताई हुई बात का जो से अनदेखा करने से बच्चे के साथ हुआ। ये मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन। तो हम राहु के आर्द्रा नक्षत्र पे बात कर चुके हैं
और केतु इस समय में मूल नक्षत्र में है। अब केतु का जो मूल नक्षत्र होता है कि वो बंच ऑफ जो होते हैं, जैसे जिनकी जड़ें होती हैं, ऐसी चीजें आप देखेंगे, कोई भी चीज, कोई पेड़ उतना जितना ऊंचा जाता है उतनी नीचे पहले जड़ होती है, तभी वो टिक सकता है। अगर जड़ नीचे नहीं होती तो नहीं होता। यानी कि कोई भी बीज के सफुटित होने से, प्रसफुटित होने से जब वो एक वृक्ष का रूप धारण करने तक, जड़ का कार्य जितना भी है वो केतु का है। हर मकान की नींव जो होती है वो केतु होता है। जितनी स्ट्रांग नींव होगी उतनी स्ट्रांग बिल्डिंग होगी। किसी भी पेड़ के टिकने का मूल कारण मूल नक्षत्र या केतु का। तो यानी कि जीवन की किसी भी घटना का या कोई भी बुरे या अच्छे हमारे अनुभव आते हैं तो उसके लिए जो पहला मूल कारण होता है वो केतु। वो हमारे चाहे मन में आने वाले विचार हो, उसका चंद्रमा से जुड़ने से हो सकता है, बुध से जुड़ने से कुछ और चीज हो सकती है। इसी प्रकार हर चीज का अपना अपना होता है, लेकिन कोई भी प्रकार की पॉजिटिव या नेगेटिव चीज होती है तो पहले सबसे छोटे कण से जुड़ के वो आगे बढ़ती है और वो है केतु। अर्थात वो हर चीज में निहित है, कोई भी चीज है उसमें केतु निहित है हमारे। और केतु यहाँ पे अगर डिस्ट्रॉयर के तोड़ पे आता है, तौर पे आता है, जो डिस्ट्रॉय करने लगता है तो कैलामिटीज का कारक। जितनी कैलामिटीज आती है उनके लिए केतु का मूल नक्षत्र बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि वो नीचे से शुरू करता है और ऊपर आपके सामने जब तूफान आता है तो अलग। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। इस नक्षत्र का जो लॉर्ड है, जैसे मैंने वहां पे शिव बताए थे रुद्र रूप के, यहाँ पे नृति है। नृति, ये नृति क्या है, ये अपने आप में कैलामिटी को कहते हैं। यानी कि जो भी जीवन में आने वाले तूफान, दुख, पीड़ा का जो नाम है, यानी कि इस नक्षत्र का स्वामी जो है नृति होने से इस प्रकार का प्रभाव इस नक्षत्र से मिलता है। ये जो नृति है अधर्म और हिंसा की पुत्री है, स्त्री है, ये अधर्म और हिंसा की पुत्री है। यानी कि ऐसी जो भी सभी चीजें जो गलत हैं, जिनका हम कह सकते हैं अनैतिक हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हैं, दुखद हैं, जिनका समाज में होना या जीवन में होना हमें पीड़ा देता है, और किसी भी प्रकार का जो क्या कहते हैं हमें हिंसा से जोड़ने वाली चीज। हिंसा सिर्फ सामने से दूसरा कोई मारने आएगा वो ही हिंसा नहीं होती, कभी कभी हिंसा हमारे अपने अंदर भी चल रही होती है, हम अपने विचारों में भी हिंसा कर रहे होते हैं। तो ऐसी सभी प्रकार की चीजों में कहीं ना कहीं इनका रोल है। और ये मदर है मृत्यु और डर की। तो आप समझ सकते हैं कि ये नृति का नक्षत्र, मूल नक्षत्र का कितना मेजर रोल है। और यहाँ केतु बहुत स्ट्रांग है, केतु यहीं बैठा हुआ है, तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग है। तो इस प्रकार के प्रभाव ये हमें दे रहे हैं। अभी शनि ने अपनी राशि परिवर्तन करी, वो अपना राशि एवं नक्षत्र उन्होंने परिवर्तन किया, तो मैं अभी आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ और कुछ डेट्स देता हूँ कि क्या क्या आगे होना है जिनका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा, और ये आपको मूल समस्या का जड़ है आपको समझ में आनी शुरू हो गई। शनि इस समय उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चल रहा है, और ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जनवरी में जो है ये आ गए थे। ये इस समय तीसरे पद पे हैं, यानी उत्तराषाढ़ा के तीसरे पद पे हैं, और इस पद का स्वामी खुद भी शनि है और अपनी राशि में है, और अभी चौथे पद पे जाने वाले हैं जो 3 अप्रैल को जाएंगे सुबह 7:55। इसका स्वामी गुरु है, तब तक गुरु भी राशि परिवर्तन करके यहाँ आ चुका होगा, तो स्थितियां थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, स्थितियां बेहतर होनी शुरू होगी, ठीक नहीं। राहु इस समय आर्द्रा के प्रथम पद पे, क्योंकि वो उल्टा चलता है, तो 4-3-2 और अब प्रथम पद पे है, और ये 20 मई 2020 को यहाँ से मृगशिरा नक्षत्र। तो दवाई का होने का जो है, जिसे कहना चाहिए हमें कोई भी प्रकार की अगर कोई उपलब्धि होती है संसार के लिए, तो ये मृगशिरा नक्षत्र और इसके अंदर ही होगी, क्योंकि तब कहीं ना कहीं मंगल इसको कंट्रोल करने लगेगा, और वो मंगल की स्थिति पे निर्भर करेगा कि मंगल कैसी स्थिति में है। दूसरा, शुक्र की स्थिति भी काफी हद तक रोल प्ले करेगी। अभी बुध की स्थिति समय बताएगी कि कितना समय हमें आगे लग सकता है, क्योंकि जिस राशि में वो बैठा है तो वो बुध है, और गुरु की स्थिति बताएगी कि जो केतु का प्रभाव कितना समय हमें आगे झेलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों डिस्पोजिटर हैं राहु और केतु, इन दोनों का बहुत मेजर रोल रहेगा।